नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं इस 90। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं या फिर आपकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा रूखी रूखी सी रहती है या फिर स्किन में आपकी खुजलाहट होती रहती है या फिर आपके चेहरे पे अच्छा सा ग्लो नहीं आ पाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में आप कौन से आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। तो आज हम आपके लिए जो नुस्खा लेके आए हैं वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको खाना भी नहीं हजम होता होगा तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपका माइंड जो कंसंट्रेट नहीं होता है तो वहाँ पर भी अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कुछ लोग होते हैं जैसे कोई काम करने बैठते हैं तो उनके दिमाग में अजीब अजीब तरह की विचारें चलने लगती हैं, यानी उस काम में उनका मन नहीं लगता है। तो आज हम आपके लिए जो दवा लेके आए हैं वो काफ़ी इफेक्टिव है और अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके चेहरे पे एक अच्छी सी चमक आ जाएगी, उसके साथ साथ में आपके जो सारे पिंपल्स थे, डार्क सर्कल्स थे, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और स्किन से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आपको खाना हजम नहीं होता था या फिर आपको भूख लगती थी या फिर आपकी बॉडी में हल्के फुल्के बुखार होती रहती थी और वो ठीक नहीं होती थी तो वहाँ पर अगर आप नीम का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों नीम की गोलियाँ जो है मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध मिल जाएंगी, आप पतंजलि का भी ले सकते हैं और भी कई सारी कंपनियों का आता है, तो उनके जो है नीम कोटेड वो आते हैं टैबलेट्स, तो उनको आप ले लीजिए, उनका आपको प्रयोग करना है। उसके साथ में आपको थोड़ी सी मात्रा में हल्दी का प्रयोग करना है। हल्दी आप चाहे पीसी वाली ले सकते हैं या फिर गांठ वाली हल्दी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। सुबह उठ के आप जैसे ब्रश मंजन करिए खाली पेट थोड़ी सी हल्दी को और एक टैबलेट, उसको टैबलेट को चाहें तो आप वैसे खा लें, उसके बाद में थोड़ी सी हल्दी को पानी में मिला के उसके बाद में पी लीजिए। इसका प्रयोग आप जैसे ही 4-5 महीने तक या फिर 2 महीने तक ही प्रयोग करेंगे तो आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। केवल एक समय ही इसका प्रयोग करना है। इसके प्रयोग से आपको क्या होगा कि आपके चेहरे पर जो पिंपल्स आ रहे थे, आपको बार बार खुजलाहट की प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ में आपके बॉडी में एक अच्छी सी एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपका जो पाचन तंत्र है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी और आपका स्टेमिना जो है वो भी काफ़ी बेटर रहेगा अगर आप इसका प्रयोग करते हैं हल्दी का और नीम का। वैसे तो नीम की पत्तियां भी आप खा सकते हैं लेकिन पत्तियां मिलना मुश्किल है हर जगह पे, तो इसीलिए अब जो भी आयुर्वेद के जो निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर हैं आयुर्वेदिक दवाओं के, वो सभी लोग जो है नीम कोटेड वो बनाते हैं टैबलेट्स, तो उनको आप मार्केट से परचेज कर लीजिए, चाहे पतंजलि का या फिर जो भी कंपनी का मिल रहा है आपको अच्छी कंपनी का, तो वहाँ से आप उस टैबलेट को ले लीजिए। एक टैबलेट आपको केवल प्रयोग करना है खाली पेट और थोड़े से हल्दी का प्रयोग करना है। अगर आपके यहाँ पर पिसी हुई हल्दी उपलब्ध है तो भी अच्छी बात है, अगर पिसी हुई हल्दी नहीं है तो आप हल्दी को थोड़ा सा काट लीजिए उसके गांठ में से और उसको खा लीजिए, उसके बाद में आप गर्म पानी पी लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो चर्बी है यानी जो एक्स्ट्रा फैट हैं वो भी निकल जाएंगे, उसके साथ में आपकी बॉडी स्लिम हो जाएगी और आपका जो माइंड है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा, आपको भूख अच्छी लगेगी और उसके साथ में आपके चेहरे पे जो पिंपल्स थे, आपको जो रिंगवॉर्म की बार बार प्रॉब्लम हो जाती थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा निजात देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो नीम होता है वो ब्लड प्योरीफायर का काम करता है, तो आपका ब्लड जो है वो सही हो जाएगा, आपके अंदर जितने भी इन्फेक्शंस थे वो सारे दूर हो जाएंगे, आपके पेट के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपको आपकी जो सेक्सुअल वीकनेस थी वो भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी अगर आप नीम के टैबलेट का और हल्दी का प्रयोग करते हैं तो। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है और इसका प्रयोग किसी भी एज के लोग कर सकते हैं, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो 12 साल का हो, 15 साल का हो, 18 साल का हो या फिर 25, 30, 40 किसी भी एज के लोग हों, सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके जैसे आप 1 महीने तक इसका प्रयोग करते हैं आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं कि आज 2-4 दिन आपने प्रयोग किया आपको रिजल्ट दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। इसका रिजल्ट जो है 1 महीने बाद ही आपको दिखाई देगा, तो आप मार्केट से जाके आप नीम के टैबलेट को परचेज कर लीजिए और हल्दी तो आपके घर में उपलब्ध ही होगा। थोड़ी सी हल्दी लेनी, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी मात्रा में हल्दी को लेना है और पानी में मिला लेना है गर्म पानी में, उसके बाद में पी लेना है और उसके साथ में आपको नीम के टैबलेट्स को भी ले लेना है। तो इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और इससे आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी और अगर कोई जानकारी हमने ना दी हो, जो हमसे छूट गई हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।